हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज हम लोग सूजी का चिल्ला बनाएंगे। ये है सूजी, इसको हमने एक घंटा पहले जो है पानी में भिगो दिया है। इतना भिगो दिया है कि ऐसे गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहेगा। इसके बाद हमने ये देखिए, ये सब चीजें सब्जियां थोड़ी थोड़ी चॉप्ड कर ली हैं। ये टमाटर, हरी मिर्च, बीन्स और ये शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च, इतने चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आपके पास और भी सब्जियां हैं, गाजर है, गोभी है, सब आप बारीक बारीक काट लीजिए और फिर इसमें हमें मिक्स करना है। चलिए फिर मिक्स करते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम सारी सब्जियां जो हमने काट के रखी हैं वो डाल देंगे। टमाटर डाल दिया, शिमला मिर्च, बीन्स, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और नमक, नमक भी स्वाद अनुसार, थोड़ी काली मिर्च। और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल लीजिए। ये सब मिक्स हो गया। सारा पेस्ट हमने मिक्सी जार में सब्जियों से डाल दिया है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। देखिए, पेस्ट बिल्कुल बन गया। इसको हमने फिर से पलट लिया। अब हम इसका देखिए, हेल्दी चिल्ला बनेगा ये। इसको अब हम लोग चिल्ला बनाएंगे। तवा गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड भी गरम हो गया, इसको ऐसे फैला देंगे और इसके बाद हम लोग इसमें ये पेस्ट डालेंगे। जितना बड़ा हमें बनाना हो उतना ये पेस्ट डाल लिया हमने और इसको पकने देंगे थोड़ी देर। आंच को सिम रखेंगे धीमी आंच पे। देखिए पकने लगा इधर। ये देखिए, जैसा कि दिख रहा है ये अच्छी तरह से पक गया। अब इसको हम पलट देंगे चारों ओर से। ऐसे ऐसे करिए पहले। आराम से ये देखिए, देख लीजिए साथ से। ये देखिए, एक तरफ से और सेक लेंगे। सिम आंच पे ही सेकेंगे। देख लेते हैं 2 मिनट बाद ये हमारा ये पका कि नहीं। हाँ, हो गया। देख रहे हैं आप, पीछे से भी हो ही गया। और आपको और रेडीज करना है इसको तो अभी एक बार और इसको लाल कर लीजिए थोड़ा तेज आंच करके। और बस ये हेल्दी चिल्ला तैयार हो गया। तो दोस्तों, आपको ये मेरा चिल्ला बनाने का तरीका कैसा लगा? प्लीज़ आप लोग भी इसको बनाइए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा करें। देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम लोग प्लेट में डालते हैं।
अब इसको हम लोग, ये देखिए बन गया, इसको प्लेट में डालते हैं ये। और ये सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी उसके साथ खाइए आप, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ आप ये नाश्ता करिए। ये हमारा हेल्दी कुरकुरा चिल्ला तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।